वेलकम बैक टू न्यूट्रोजेना प्रेजेंट्स तेरे मेरे बीच में। शायद जिनीले आप दोनों तो आप समझ ही गए होंगे कि कितना इम्पोर्टेंट है जिंदगी में एक सेकंड चांस, एक दोबारा मौका पाना। अब हम मिलेंगे एक ऐसे इंसान से जिन्हें इंडिया के प्रेसिडेंट के हाथों अवार्ड मिला है उनकी विल पावर और फाइटिंग स्पिरिट के लिए। मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहता था क्योंकि मेरे फादर वगैरह आर्मी में थे और मैंने उनको हमेशा यूनिफॉर्म में जाते हुए देखा था, और इसीलिए मैंने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी ज्वाइन करी थी। उसके बाद भारतीय सैन्य अकादमी है देहरादून में, वहां पे एक साल की ट्रेनिंग पूरी करी, और इस ट्रेनिंग के अंत में एक कॉम्पिटिशन होता है उसमें भाग लेते हुए मैं गिर के मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। मेरी पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई थी, मेरी सिर्फ आंखें हिल सकती थी, जहाँ पे डॉक्टर्स ने ये कहा था कि शायद ये 3 दिन भी जीवित ना रह पाए। तो मेरे सामने यही चुनौती थी कि मुझे इसी चीज से बाहर आना। 2 साल के बाद जब मुझे व्हीलचेयर में बिठाया गया तो फिर डॉक्टर्स ने कहा शायद ये किसी दिन अपनी व्हीलचेयर खुद से चला पाएगा। प्लीज वेलकम कैप्टन नवीन गुलिया। हमें प्लीज आपकी जो स्टोरी है वो बहुत ही इंस्पिरेशनल है। मैं सोचता हूँ शायद मैं कुछ बना ही ऐसे हुआ, मैं कुछ ऐसी खास बात नहीं है सिर्फ कैप्टन, ये आप कह रहे हैं लेकिन आप में बहुत खास बात है। आपको चोट लगी कैसे कैप्टन? ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी थी, उसके बाद एक कॉम्पिटिशन होता है तो उसमें वैसे तो हमने हजारों बार वो कर रखी थी, लेकिन उस दिन एज अ मैटर ऑफ चांस मेरे को धक्का लग गया कॉम्पिटिशन में पार्ट लेते हुए, और गिर के मेरी स्पाइनल कॉर्ड फ्रैक्चर हो गई और इमीडिएटली माई होल बॉडी वॉज पैरालाइज। आफ्टर दैट आई वॉज ओनली, मेरी सिर्फ आंखें मैं हिला सकता था, मैं सांस भी बहुत कम था और मैं बोल नहीं सकता था, मूव बिल्कुल भी हिल नहीं सकता था, बॉडी बिल्कुल नहीं हिल सकती थी। मेरी पूरी लाइफ मेरे आंखों के आगे घूम रही थी, और डॉक्टर्स ने कहा था कि 3 डे सर्वाइव करने का चांस भी कम है। तो फिर आप ये कैसे सर्वाइव कर गए? एज अ स्पोर्ट्समैन मैंने एक चीज सीखी थी कि मैं कभी भी हार के बारे में नहीं सोचता हूँ, मैं जो भी एक कदम भी लेता हूँ तो वो सिर्फ जीत की तरफ ही लेता हूँ, और जीत एक प्रोबेबिलिटी या संभावना नहीं होती है, वो मेरे लिए एक फैसला होता है कि मुझे जीतना है, आई हैव डिसाइडेड तो मुझे जीतना है। फिर उसके बाद जब मैंने 2 साल का ये हॉस्पिटल में बिताया तो उसके बाद मेरे को व्हीलचेयर में बिठाया गया, जब मेरे को व्हीलचेयर में बिठाया गया तब भी डॉक्टर ने कहा था कि शायद ये किसी दिन अपनी व्हीलचेयर को खुद से चला पाएगा। तो अगेन वही चीज है कि वो उनका नजरिया था, उनका सोचने का वो था, लेकिन मैंने वहां से शुरू किया। मैंने पहले गाड़ी ड्राइव करने के लिए गाड़ी में जो है एक हैंड कंट्रोल अपने आप ही डिजाइन किए थे, और फिर मैंने गाड़ी ड्राइव करना शुरू किया। तो मैंने कुछ ऐसा सोचा जो कोई सोच ना सके, और वो मैंने सोचा कि मैं न्यू दिल्ली से लेके मार्सेमिकला एक हाईएस्ट मोटरेबल माउंटेन पास है जो खरदुंगला जो मेटल रोड है उससे भी हायर है, मगर वहां पर रोड भी नहीं है, कच्चा ट्रैक है, तो और वो माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप से 1200 फीट हायर है। तो मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं दिल्ली से लेके वहां तक नॉनस्टॉप ड्राइव करूंगा। नॉनस्टॉप 55 आवर्स में, 55 आवर्स यू ड्रोव नॉनस्टॉप विदाउट स्लीप और ब्रेक एनीथिंग, और फिर आप आए रिकॉर्ड बुक में। हाँ, माय नेम इज इन द वर्ल्ड रिकॉर्ड। जिनीला बहुत ही इमोशनल हो गई है कैप्टन आपकी। बेबी आर यू ओके? यह नो आई हैव अ वेरी क्लोज फ्रेंड हु इज ऑल्सो समवन आल्सो। Are you all right, darling? Yeah, I'm all right. Huh? Sure, you want a tissue or something? Yeah. You know, I have a friend, Farah, who is also the same, who's, you know, yeah, who's paralyzed and who's got on to doing all his work by himself with, you know, setting up the car and everything, which for me, it's, we were this close. I mean, the reason why I've passed my BMS with working is because of him, and it's amazing how they do things, and you know, when you've grown up playing with each other and seeing all of it, and to see them strive so hard, I mean, when we talk about second chances, yeah. I just think that we're not even worth, you know, sometimes the second chances we get because we don't realize the importance of it. Captain, आपको लगता है ये जो second chance आपको मिला है, आदमी को second chances आपके हिसाब से कब मिलते हैं? जब वो खुद decide कर ले कि मैं लूंगा ये चांस वापस। हाँ, ये आप जब तक हार मानते नहीं तब तक हार होती नहीं है,
और हमें जिंदगी में जो चीज जितना कम मिलती है हमें उसकी अहमियत उतनी ज्यादा पता होती है। जब मैं बेड में था और हिल भी नहीं सकता था, सिर्फ मेरी आंखें हिलती थी, तब मैं ये सोचता था कि अगर मैं एक करवट लेके सो सकूं तो कितना अच्छा लगेगा। तो आपने एक एनजीओ शुरू किया है अब? हाँ, मैं कभी से चाइल्ड रिलेटेड इश्यूज से मैं काफी प्रभावित था। मैं चाहता था कि मैं बच्चों के लिए काम कर सकूं, और हमारे समाज में जैसे बेगर चिल्ड्रन होते हैं, रैग बेगर चिल्ड्रन होते हैं, तो मैं चाहता था कि ये चीज ना हो, उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो